तरन तारण में दलित नाबालिग लड़की का नग्न वीडियो बनाने का मामला अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास चला गया है। इस मामले में आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष ने पीड़ित लड़की के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारियों को तलब किया। साथ ही इस मामले में उन्होंने पुलिस अधिकारियों को फटकार भी लगाई। दरअसल इस मामले में इलाके के सरपंच के बेटे ने एक नाबालिग लड़की को उसके घर से अगवा किया था। जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है उसने, जो लड़की है वो 14 साल की माइनर नाबालिग लड़की है, और उसने कहा है कि मुझे जबरदस्ती मेरे कपड़े उतारे गए, उसकी वीडियो बनाई गई। लेकिन पुलिस को ये सारी कंप्लेंट देने के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय एक फेक कंप्लेंट अपनी बेटी की एप्लीकेशन दिला के वो बयान रिकॉर्ड करवा दिए कि उसके भाइयों ने, जो पीड़ित लड़की है, उसके भाइयों के ऊपर रेप का झूठा पर्चा दर्ज किया गया। लेकिन मैं उस बहादुर बेटी, जो कि वो सरपंच की अपनी बेटी है, उसने स्टेटमेंट दी है कि मेरे बाप ने घिनौना कार्य किया है, मैं अपने बाप के खिलाफ हूँ, और उन्होंने जो लड़कियों को बेइज्जत किया है, मैं चाहती हूं उनको सख्त सजा मिले। अमृतसर से अजार टीवी न्यूज के लिए धर्मवीर गिल लाली की रिपोर्ट।